नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। चूनावड़ CSC में शनिवार को COVID-19 वैक्सीन के मुख्य नर्स ANM अलीमा द्वारा थाना प्रभारी परमेश्वर सुंथार सहित दर्जन भर पुलिस कर्मियों को टीके लगाए गए। इस दौरान वैक्सीन लगाने वाले पुलिसकर्मी जगदीश कुमार, लक्ष्मी नारायण, बाबू खान, देवेंद्र बख्शी, महेश कुमार, ASI हनुमान प्रसाद सहित अन्य पुलिस स्टाफ को COVID-19 निगरानी कक्ष में आधा घंटा रेस्ट करवाने के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चूनावड़ बस स्टैंड और लोय टोल नाके पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। इस दौरान वहां गढ़शाणा पुलिस थाना के ASI वेद प्रकाश, 2-3 पुलिसकर्मी एक निजी वाहन से श्री गंगानगर न्यायालय में मुलजिम को लेकर जा रहे थे, जिन्हें वहां चूनावड़ बस स्टैंड पर किसानों ने रोक लिया। वहां पुलिसकर्मी अपनी हेकड़ी दिखाने लगे तो चक्का जाम कर रहे किसानों ने उन्हें जाने से मना कर दिया, जिससे एक बार वहां माहौल गर्मा गया। वहां पुलिसकर्मी और किसानों में बहसबाजी व नोकझोंक होने से झड़प हो गई। किसानों ने पुलिसकर्मियों को आधे पौने घंटे तक वहीं रोके रखा। काफ़ी देर के बाद पुलिसकर्मी किसानों के आगे गिड़गिड़ाने लगे। इसके बाद उच्च अधिकारियों के फोन आने के बाद किसानों ने इन पुलिसकर्मियों को जाने दिया गया। किसानों द्वारा चक्का जाम करने में शामिल रहे किसान सुरेंद्र सिंह 11 जी, लाभ सिंह 6, राजविंदर सिंह, जयपाल भूपेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, खालसा बब्बी 9L, अमरीक सिंह, राजकरण, राम कुमार सहारन, साबराम सिहाग, जसवंत गणगस, पूर्व सरपंच श्री राम ततारसर, निर्मल सिंह, नक्षत्र सिंह 8L, गुरविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, अवतार सिंह गिल, प्रताप सिंह, शिशपाल सियाग, प्रताप सिंह। चौबीस घंटा टाइम है, तुम मन के समझाओ। 24 घंटा टाइम है, कृपया बताइए। कोई किसान को लाद कोनी के तू ज्यादा है किसान मैं तू ज्यादा है केनो केचो है माने मैं अगर जो मुलजी मैं मुलजी मैं तो मुलजी ने 3 बजे बाद में पेश कर दियो। वो नहीं कर सका मैं, कर सकता जाओ भी कर दियो। ऊपर खड़ा हो ठीक बोल बैठ जाओ साहब। 12 बजे पहला ले जाओ। अरे किसने कहा ये मारे मारी किसान संगठन को कोई कोनी भी पुलिस ने जान दो। पुलिस का सरकारी वाहन और उसके अंदर अधिकारी बैठा और वो जान के बताओ भी मैं बटफसेट और बड़ी कहता हूँ तो जाओ भाई साहब। प्राइवेट गाड़ी में कोई कौन सा थरदार बहुत बढ़िया बदी लगेगा तो फाइल रात कर लेनी। जज ने 3 बजे तक जज मिली सी यार, 3 बजे तो हमारे साथ केड़ ही था। 12:03 भी तो रोके हमें, 12 से 3 बजे के बंद है हमारा। तो बीमार को जाने दो, पुलिस तो बीमार को कहाँ रोक रहे हैं? अरे भाई साहब पुलिस की गाड़ी को कहाँ रोक रहे हैं? पुलिस की गाड़ी ले आओ ना, अरे पुलिस की गाड़ी लेके आओ ना, पर्सनल लेके आओ। आप काम चल रहे हो यार, यूके मारने वाले बारों को नहीं आते ना फाइल। तो भाई मैंने क्या फाइल दिखा दे, हमारी फाइल देख खड़ी हटे थे हमारे पर, वो जो कराड़ो था वो करा दिए। बात खत्म। एम्बुलेंस अभी निकाली नहीं क्या? अरे फिर मैं बात सुन ले, तन मैं 3 बारी कह दिया, वो वीडियो भी बना और 100 किंग रहे जिनको गलो पकड़े, तू गलो पकड़े तेरे भी पकड़े कोई है हम तो पकड़े। फिर मारो गलो, मैं तो गलो पकड़ान खतरा है, पकड़ो नहीं ले आउट डंडा पुलिस है। धरकन हम भी इसी काम के, इस काम का तू है हां अपन बैठे हैं सारे शाहजहापुर बॉर्डर पे। जो अपने मैंने देखा है यहाँ के कुछ विधायक, कुछ नेता लोग है, वो जाके टीकरी पे बैठ जाते हैं या सिंगू पे जाके बैठते हैं, कोई फायदा नहीं है। वो नाटक कर रहे हैं। अगर अपना अपना जो राजस्थान का संयुक्त मोर्चे ने जो अपने राजस्थान की ड्यूटी लगाई है वो जयपुर दिल्ली हाईवे पे लगाई है, तो जो भी साथी दिल्ली जयपुर हाईवे पे जाके बैठता है हकीकत में राजस्थान का वो ही अपना सच्चा साथी है। अगर दूसरे बॉर्डर पे वो घूम के आ जाता है, हाजिर लगा के आ जाता है, अखबार में नाम देने के लिए पहुंच जाता है, तो गलत बात है, बिल्कुल उसको समर्थन नहीं मानेंगे हम। यही बात वहां पे होती है, शाहजहापुर बैठे जो अपने साथी वो यही बात बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा संख्या में यहां पहुंचो। तो मेरी तो यही सभी से अपील है कि ज्यादा ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना चाहिए। आज कम से कम यहां से प्रण लेके जाएं, 10-20 आदमी फलाने तारीख को जाएंगे। धन्यवाद।